विकास के लिए भगवान बुद्ध ने दिए वाली थी, समय समय पर हमने हमारे संचालक जी ने भी बहुत बड़ा काम किया है। और ये कहने की जरूरत है कि आप आए और अपने खुद के परिवार के सदस्य में भिक्षुओं को दान दे रहे हैं। साधु साधु साधु। सुनीता दीदी, तुम्हारी अर्चना ये आप लोगों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब एवं निर्माण प्राप्त कृष्ण जी को आप लोग उस पर अर्पित करेंगे। इसी क्रम में महाराजगंज से आए हुए पदे रामानंद सभी लोग आए और वहाँ कुछ बात करने का उनको आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब के विचारों पर चल करके अपने बड़े भाई साहब के आदर्शों को मान करके हम लोग अनर्वस जो उनका कारण था, जो उन्होंने हमको सिखाया था कि आप लोग कुछ भी करिए लेकिन बुद्ध विहार को न छोड़िएगा, हम लोग अपने परिवार से ये संकल्प लेते हैं उनके विचारों को और भगवत धर्म के को बनाते रहेंगे। मैं उनको साधु साधु। हाँ, इसी क्रम में सभी श्री प्रकाश रतन जी, श्री प्रकाश रतन जी आए श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। प्रवक्ता सदी जी और सखी राजन जी आएंगे उनके सहयोग। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी लोग पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। अब इसी क्रम में निर्माण प्राप्त संचालक जी के द्वितीय श्रेष्ठ पुत्र में ला ऑफिसर हैं, कृष्ण जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। सदे अशोक कुमार बोध जी, महाभारी भगवान बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व आचार्य श्री नाम नगर गण मंच पर आसीन हमारे संस्था के आदरणीय पिता जी का जो जीवन था वो सब कुछ जो भी उनका कार्य था सब आप लोगों के सामने, मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बस उस मिशन को हम लोग को मिलेंगे आगे बढ़ाते रहा हूँ। जय हिंद। साधु साधु साधु। आप आए और अपने नेतृत्व
है आज भी किसी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। आदरणीय माननीय कुशवाहा जी, सर्वप्रथम विश्व शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में सत्संग, महिलाओं को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले जी के चरणों में सत्संग नमन करते हैं। संतों के संत कवि जी राधा जी के चरणों में सत्संग नमन करते हुए अपने वरिष्ठ आदरणीय सभी गुरुओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात करती हूँ। स्थान पर खड़े होने का गौरव भी मुझे बाबूजी ने, तो पीएम हुआ कि परिवार में बाहर कौन बनेगा, इस कि इस परिवार की सबसे बड़ी बहू विनीता कुशवाहा जी जो है वो इसको लेके चलेंगी और मैं अपने आप को उनकी दूरदर्शिता को सदा नमन करती हूँ कि मैंने उनकी उस बात को उसी लीक की तरह मान लिया और आज मैं दिन रात उस क्षेत्र में अपने आप को पूरे देश में बुद्ध के धर्म को फैलाने में सफल भी हो रही हूँ। जहाँ महिलाओं की संख्या 10 है तो वहाँ 100 में अगली बार तीसरी बार चौथी बार करने में दिन रात वृद्धि में महिलाओं की जो संख्या वृद्धि करने में मैं धर्म के इस मार्ग पर चल के इस देश को धर्म का जो ज्ञान दिया था ने इस बुद्ध बिहार हरैया का निर्माण करके उससे पूर्व कोई साधारण काम नहीं था। जिस समय उन्होंने ये झंडा उठाया था पंचशील का झंडा, उस समय कोई आसान काम नहीं था, लोग चलने नहीं देते थे। उसी समय की स्थितियां और संबंध बाबू जी ने आरपी किशोर सर ने अपना झंडा उठाया होगा तो उस समय कितना कठिन काम था। इस जमीन खुली कमेटी ने बहुत काम किया था और इसलिए बाबू जी ने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिख करके इस बस्ती जनपद को एक ऐसा गौरव एक सभा में आया था ये बसवा से दस मिनट हमारे सामने
सब लोग हाथ लगा लीजिए, शाखा के पदाधिकारी लोग। साधु साधु साधु। अपनी संस्था के प्रचार मंत्री बहुत आदमी से पटेल जैसे लोग कहते हैं कि आप आए और कुशल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। आज अखिल भारतीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति के संस्थापक एवं संचालक रहे हैं उपस्थित और उनके यहाँ कार्यो को आप लोग तमाम लोगों ने कहा है, दिन भर के बारे में कहा है। बधाई देते हैं साथियों, आज जो समय है हमें उसके अनुसार हमें दो मिनट का समय मिला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से माननीय कुशल जी मैं बहुत कहता था उस समय में जो सामाजिक महिला जी बाकी थी बाबा जी धरो भला करने बाद तो उस समय मैं छोटा छोटा उनका देते देखा था कि महाराज का जो था क्यों हमारे आदरणीय श्री को चरणों में सरकार से मनाफी करते हुए उन्हें भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माननीय कृष्ण जी शुरू से ही